अद्भुत महापर्व यह पर्युषणा। कितनी बात कही जाए इसके लिए, कितना कुछ कहा जाए, जितना कहा जाए उतना कम है। का ये सीजन है धर्म की, ये मौसम है धर्म करने की, और यह समय में जो प्रमाद करता है, यह समय में जो बैठे रहता है, यह समय में जो समय गवा देता है, यह समय में जो अवसरों को खो देता है, वो जीवन में कुछ पा नहीं सकता। इसीलिए कहा यह पर्युषणा महापर्व बहुत महत्वपूर्ण है। टांड दिन में भीतर में कुछ भरा, भीतर कुछ भरा गया, जो खाली था वहां कुछ, जहां जहां रिक्तता थी, जहां खालीपन था वहां कुछ भरा गया। यह फीलिंग ना आया, यह अनुभूति ना हो तो समझना ये 8 दिन हमारे ऐसे चले गए। परिसना तो हर साल आते हैं, लेकिन जैसे जैसे एक एक परिसना महापर्व की आराधना होती जाए, वैसे वैसे हमें अपग्रेड होना चाहिए, हमें टारगेट बनाना चाहिए। चलो यह परिसना महापर्व है, यह परिसना महापर्व से कोशिश करनी है क्रोध से बाहर निकल जाए। चलो यह परिसना महापर्व है, यह परिसना महापर्व में कोशिश करनी है कि वैर की गांठ जितनी भी बंधी हुई है उसको खोल दे। चलो यह परियोजना महापर्व है, इस साल कोशिश यह करनी है कि लोभ की भावना भीतर में जितनी भी जगती है उसको शांत कर दे। चलो इस साल परियोजना महापर्व है, इस साल हमें कोशिश यह करनी है कि ईर्ष्या का भाव भीतर में जो उठता है उसको बिठा दे। एक एक परियोजना महापर्व, किसी के जीवन के 10 परियोजना महापर्व हुए होंगे, किसी के 15 हुए होंगे, किसी के 20 हुए होंगे, किसी के 25 हुए होंगे। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि एक एक परियोजना महापर्व में एक एक दुर्गुण भी कम किया होता ना तो आज आप कहां के कहां पहुंच जाते। लेकिन आप बहुत बाह्य दृष्टि से जीवन जीते हो, आप जीवन के बहुत ऊपरी हिस्से को अभी तक छू पाए हो, गहराई में नहीं जा पाए, भीतर में नहीं जा पाए, भीतर को नहीं देख पाए। और इसलिए शास्त्रकार भगवान कहते के बराबर समझ लेना व्हाट इज द पर्युषण। कल हमने क्वेश्चन खड़ा किया था, पर्युषण क्या है? कल पहला आंसर हमने खोजा था, हमने ढूंढा था, उसके ऊपर हमने बात करी थी, प्रेम का पर्व यानी पर्युषण। आज दूसरा आंसर, और दूसरा आंसर शास्त्रकार भगवान यह देते हैं, दूसरा प्रत्युत्तर शास्त्रकार भगवान यह देते हैं, प्राप्ति का पर्व यानी पर्युषण। क्या कि यह पर्युषणा महापर्व ऐसा है, यहां से आप जो चाहो वो पालो, आप जो कामना करो धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्मिकता के क्षेत्र में, आप जो चाहो वो प्राप्त हो जाए, ऐसा यह पर्युषणा महापर्व है। इसीलिए कहा कि दूसरे नंबर में प्राप्ति का पर्व यानी पर्युषणा महापर्व। मैं कई बार कहता हूं, आप बाजार में निकलते हो, अलग अलग तरह की दुकानें होती है, कहीं भोजन मिलता है, कहीं कपड़े मिलते हैं, कहीं गाड़ी मिलती है, कहीं बाइक मिलती है, कहीं खाना मिल जाता है। अलग अलग तरह की दुकानों में आपको जाना पड़ता है और अलग अलग तरह की चीजें आपको मिलती है। लेकिन बाजार में एक मॉल ऐसा होता है जहां आप जो चाहो वो सब कुछ मिल जाता है। आप अलग अलग दुकानों में जाओगे तो अलग अलग चीजें आपको मिलेगी, कहीं खाना मिल जाएगा, कहीं पानी मिल जाएगा, कहीं ये मिल जाएगा, कहीं वो मिल जाएगा, अलग अलग तरह की चीजें आपको बाजार में जाते हो तो मिल जाती है। लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते हैं बराबर समझ लेना, बाजार में एक मॉल ऐसा होता है जहां हर तरह की चीजें मिलती है। इसी तरह से पूरे साल में अलग अलग पर्व आते हैं और अलग अलग पर्वों का अलग अलग रिजल्ट हमें मिलता है। कोई परमात्मा भक्ति का पर्व है, कोई गुरु भगवंतों की वैयावच का पर्व है, कोई भीतर में जाने का पर्व है, कोई तप का पर्व है, कोई आइंबिल की महत्वता को बताता हुआ पर्व है। पूरे साल में जितने भी पर्व आते हैं उसका अलग अलग रिजल्ट है, लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते हैं ये पर्युषणा महापर्व एक मॉल जैसा है, यहां से आप जो चाहो वो सब कुछ मिल सकता है। ऋषि ने कहा कि पूरे साल में ये 8 दिन सर्वोत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है, और ये 8 दिन जो चुक जाए वो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता, कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्राप्ति का पर्व यानी पर्युषणा महापर्व, जो चाहो सो पाओ। एक ही सूत्र दिमाग में बिठा देना, पर्युषणा महापर्व ये प्राप्ति का पर्व है, जो चाहो सो पाओ।
कहा कि पर्युषणा पांच चीजों से सार्थक बनते हैं और वह पांचों चीज हमें कुछ ना कुछ प्राप्त करवाती है, वह पांचों चीज हमें कुछ ना कुछ देती है, वह पांचों चीजों से हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, वह पांचों चीजों से जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आता है और वह पांचों चीजें हमारे जीवन को बदल देती है। इसलिए शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि पर्युषणा महापर्व यानी प्राप्ति का पर्व। सबसे पहले नंबर पर है प्रवचन। पांच पौ के बिना पर्युषणा महापर्व सार्थक नहीं हो सकता। पर्युषणा को सक्सेस बनाना है, पर्युषणा को सार्थक बनाना है तो पांच पौ आपके जीवन में होने चाहिए और पांच पौ यदि आपके जीवन में आए तो आपको उससे इतना कुछ प्राप्त हो सकता है आप सोच नहीं सकते। कहा पहले नंबर में प्रवचन। प्रवचन से क्या मिलता है? कहा कि होश की प्राप्ति प्रवचन से होती है। आपको जीवन में जगाने वाला कोई तत्व हो तो वह प्रवचन है। आप जाग जाते हो, भीतर से आपको जागने का मन हो जाता है, आपको लगता है कि संसार में मैं क्यों बैठा हूं। कभी कभार प्रवचन में ऐसे भी भाव भीतर में उठ जाते हैं, क्यों यह संसार में मैं बैठा हूं, कितना कुछ है पाने को यह जीवन में, मैं कहां फंसा हुआ। जब तक आप प्रवचन का श्रवण नहीं करते तब तक आपके जीवन में होश नहीं आता। जो सत्संग में नहीं जाता, जो गुरु भगवंतों के प्रवचनों में नहीं जाता, जो प्रवचन को श्रवण नहीं करता, जिनके कानों में गुरुदेव के शब्द नहीं पड़ते, वो जीवन में कभी होश में नहीं आ सकता, वो बेहोशी में जीवन जीता। आप सोचना, जब तक आपको आपके जीवन में कोई सद्गुरु नहीं मिले तब तक आपका जीवन कैसा था, और जब एक सदगुरु मिल गए जिन्होंने कुछ समझाया, जिन्होंने कुछ सिखाया, जिन्होंने कुछ बताया, जिन्होंने कुछ कहा, जिन्होंने कुछ प्रेरणा करी, जिन्होंने कुछ मार्गदर्शन दिया, और उसके बाद में आपका जीवन कैसा है। कहा कि पर्युषणा महापर्व को सफल बनाना है, पांच प बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और पांचों प से हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, इसीलिए वह महत्वपूर्ण है। प्रवचन, होश की प्राप्ति प्रवचन से होती है। पूजा कहा परमात्मा भक्ति, परमात्मा की पूजा। ये आठ दिन आप परमात्मा की पूजा करते हो, परमात्मा की भक्ति करते हो, और ये आठ दिन कहते हैं कि जो परमात्मा की भक्ति में रम जाता है, परमात्मा की भक्ति में डूब जाता है, उसे आनंद की प्राप्ति होती है। प्रवचन से होश की प्राप्ति होती है तो परमात्मा की भक्ति से आनंद की प्राप्ति होती है। हम कहते हैं मना प्रसन्नता में भी परमात्मा की भक्ति का रिजल्ट क्या? कौन कहता है कि धर्म का रिजल्ट अगले भाव में मिलेगा, अगले जीवन में मिलेगा? मैं कहता हूं धर्म का रिजल्ट आज ही मिलता है। ये मत, ये गलत फहमी में मत रहना कि धर्म का रिजल्ट अगले भाव में मिलता है। किसने देखा अगला भाव, किसने देखा पिछला भाव? मैं तो आज की बात करने वाला हूं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं परमात्मा भक्ति का सीधा रिजल्ट यही है, आप आनंद में आ जाते, आपका चित्त आनंदित हो जाता। और जो चित्त को आनंदित न करे वह परमात्मा भक्ति कोई काम की नहीं। वह रावण के मन में कैसी भक्ति उठी होगी आप सोचो तो सही। इतना पाप, इतना दुष्ट, इतने दुर्गुण उसके जीवन में है, लेकिन उसके जीवन में थे, लेकिन फिर भी अगले भाव में क्या बनने वाला है, क्या बनने वाले हैं? तीर्थंकर। क्यों? परमात्मा भक्ति। क्या पराकाष्ठा परमात्मा भक्ति की उनके जीवन में खड़ी हुई होगी आप सोचो तो सही। सीता नृत्य करती है लेकिन वह गणधर बनेगी, रावण ने मात्र सितार बजाई लेकिन वह तीर्थंकर बनेगी। प्रवचन से होश की प्राप्ति होती है, परमात्मा भक्ति से जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। तीसरा प है पचकान का। कहा कि पचकान से मुक्ति की प्राप्ति होती है। आप, मैंने कल भी बात करी थी कि बिना तप की एक भी आराधना हमारे जीन शासन में नहीं है। आप मुझे एक ऐसी आराधना नहीं बता सकते जहां खाने पीने की बात लिखी हो, जहां लिखा हो कि आप तीन टाइम खाओ, पांच टाइम खाओ, नहीं, हर जगह कहा कि नहीं आप पचकान में रहो। कितने तरह के अलग अलग पचकान हमारे यहां पे बताए गए। मासक श्रवण तेरे से नहीं हो सकता, ओके, सोलह उपास, सोलह उपास नहीं हो सकते, आठ उपास, आठ उपास नहीं हो सकते, तीन उपास, तीन उपास नहीं हो सकते, दो उपास, दो उपास नहीं हो सकता, एक उपास, एक उपास नहीं हो सकता, आई एम बिल, आई एम बिल नहीं हो
हो सकता, एकासना, एकासना नहीं हो सकता, बियासना, बियासना नहीं हो सकता, नौकासी। लेकिन कहा के पचखाण में रहो, इतने सारे ऑप्शन ज्ञानी भगवंतों ने दिए, इतने सारे ऑप्शन गुरु भगवंतों ने दिए, लेकिन शर्त एक ही, आप पचखाण में रहो, पचखाण से बाहर मत जाओ। वो बाउंड्री लाइन है, उससे बाहर गए तो बचना मुश्किल हो जाएगा। और आगे चल के तो यहां तक हमारे यहां बताया गया, मुट्ठी से पचकान, गंठ से पचकान। कहा कि आपको कोई पचकान नहीं आता, कोई बात नहीं, आपने पानी पी लिया, आपके वस्त्र को एक गांठ लगा दो, लेकिन याद ये रखना कि जब वापस कुछ वापरना है, पानी पीना है, तो वह गांठ को खोलना, यह भी एक पचकान। मुट्ठी बंद कर ली, आपका पचकान हो गया, वापिस मुट्ठी खोल दी, आपका पचकान हो गया। कहते शास्त्रकार भगवान ने कितनी तरह के पचकान हमारे यहां पे बताया गया, लेकिन शर्त एक ही बताई, आप पचकान में रहो, आप नियम में रहो, उससे बाहर मत जाओ। और यही पचकान आपको मोक्ष तक ले जाएगा, समझना, यह पचकान की ताकत है आपको मुक्ति दिलवा दे। इसलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि बराबर कान खोल के सुन लेना, पर्युषणा महापर्व यानी प्राप्ति का पर्व, जहां से आपको कुछ ना कुछ मिले, आप जो चाहो, ये मॉल है, आप जो चाहो वो आप प्राप्त कर सकते हो, बस आपको अंदर जाना है, कुछ पे करना है, कुछ देना है, कुछ आराधना साधना करनी है, और वह आराधना साधना तप त्याग के माध्यम से आप जीवन में जो चाहो वो प्राप्त कर लोगे। कहा प्रवचन होश की प्राप्ति, परमात्मा भक्ति आनंद की प्राप्ति, पचकान मुक्ति की प्राप्ति, प्रायश्चित शुद्धि की प्राप्ति। कहा के पापों से आपका आत्मा कलुषित होता है, लेकिन प्रायश्चित एक ऐसा उपाय है जो आत्मा को पुनः शुद्ध बना देता है। कलुषित होता है, आप संसार में बैठे हो, संसार में कहीं ना कहीं पापों का बंध होते रहता है, लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि प्रायश्चित ऐसा है, इसकी ताकत ऐसी है कि जो आपको पुनः शुद्ध बना देता है। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।